गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सदगति प्राप्त करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस पुराण में बताया गया है, मृत्यु का समय जब निकट आता है तब जीव आत्मा से देह और प्राणों का त्याग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीव आत्मा का क्या होता है। चलिए जान लेते हैं क्या है गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु और इसकी सजा। मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित किए जाते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति इस चक्र को पूरा नहीं कर पाता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों की जीव आत्मा को यहीं इस पृथ्वी लोक पर कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु में मिलने वाले दंड से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण के सिया अवलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की भूख से प्रेरित होकर मृत्यु होती है, या फिर हिंसक प्राणी के द्वारा, या फांसी लगाकर, साथ ही कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन करके, या फिर आग में जलने के कारण, या पानी में डूबने के कारण, या फिर किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इस प्रकार से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी मृत्यु में से गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को सबसे ज्यादा घिनौना अपराध माना गया है। कैसे होती है अकाल मृत्यु। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ लोग दुर्घटना आदि के शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए गए महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु छीण हो जाती है और फिर वे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की जीव आत्मा निर्धारित किए गए समय से पहले ही यमलोक पहुंच जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है अकाल मृत्यु की सजा। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 30 या फिर 40 दिनों के अंदर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, यानी उन्हें इतने दिनों के बाद नया शरीर मिल जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करते हैं, उनकी आत्मा यहीं इस पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया समय पूरा नहीं हो जाता है। दोस्तों, ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नर्क मिलता है। उनकी आत्मा भूखी प्यासी लोक परलोक के बीच ही भटकती रहती है। आशा करते हैं दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु अकाल मृत्यु में क्या अंतर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।